महाराष्ट्र में वीर सावरकर को लेकर सियासत तेज है। शिंदे गुट, उद्धव गुट और बीजेपी सभी ने मिलकर कांग्रेस और राहुल गांधी पर नाराजगी जाहिर की है। वहीं सीएम शिंदे ने ना सिर्फ राहुल गांधी बल्कि एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है। एक तरफ वो उद्धव ठाकरे को घेर रहे हैं तो दूसरी ओर कांग्रेस के आंदोलन को राज्य में कमजोर करने की रणनीति बना रहे हैं। उम्मीद है कि इसका असर महाविकास आघाड़ी पर भी पड़ सकता है। इसके साथ ही उन्होंने सावरकर गौरव यात्रा निकालने का ऐलान भी किया है। अब सत्ताधारी दल के कार्यकर्ता राज्य भर में इस यात्रा के दौरान लोगों को बताएंगे कि देश की आज़ादी के लिए सावरकर ने क्या क्या काम किए हैं और सावरकर के काम को कांग्रेस ने किस तरह से कम करके आंका है। 27 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर सीएम शिंदे ने सावरकर गौरव यात्रा का ऐलान किया। साथ ही उद्धव पर निशाना साधते हुए कहा कि वो बार बार बोल रहे हैं कि सावरकर का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, पर ये नहीं बता रहे कि वो करेंगे क्या। उन्होंने सवाल किया कि क्या वो महाविकास आघाड़ी गठबंधन से बाहर निकलेंगे। आणि तुम्ही देखील त्यांना विचारलं पाहिजे कि अपमान सहन करणार नाही म्हणजे काय करणार। खरं म्हणजे हे फक्त तेही सगळ्या बाजूनी जेव्हा भडीमार झाला तेव्हा हे उशिरा सुचल्याप्रमाणे शानपण म्हणतो तसं बोललं गेलं। आणि यामध्ये बोलून काय होणार आहे, त्यामध्ये तुमच्या कृतीतून दिसलं पाहिजे। आणि त्यांचे चिरंजीव म्हणाले हे दोन वेगवेगळे पक्ष आहेत, वेगवेगळ्या भूमिका आहेत। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वीर सावरकर के अपमान पर उद्धव ठाकरे केवल भाषण में निंदा करते हैं लेकिन हकीकत में कुछ नहीं करते। उन्होंने कहा कि सावरकर गौरव यात्रा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र और तालुका स्तर पर निकाली जाएगी और राहुल गांधी का विरोध किया जाएगा। शिवसेना आणि भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये आणि प्रत्येक विधानसभा मतदार संघामध्ये एकीकडे राहुल गांधींचा निषेध करेल, दुसरीकडे सावरकर गौरव यात्रा काढेल। या यात्रेतून सावरकरांनी केलेलं कार्य हे समाजासमोर पुन्हा एकदा आम्ही आणू आणि त्यांचा गौरव करू। हालांकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने इसे सत्ताधारी दल की साजिश बताया है। उन्होंने कहा कि सावरकर के मुद्दे को तूल देकर महाविकास आघाड़ी को तोड़ने की साजिश सत्ताधारी दलों ने रची है लेकिन वो सफल नहीं होंगे, हम सभी एकजुट हैं। नाना ने कहा कि सावरकर मामले को लेकर वो राहुल गांधी से बात करेंगे। एक बघा, मी तुम्हाला सांगितले त्या पातळीवर ही चर्चा होणार, कारण की जी आघाडी झालेली होती त्यावेळेस मॅडम सोनियाजींच्या याच्यामध्ये ती चर्चा झाली होती, आखरी निर्णय त्या आले। इधर विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने वीर सावरकर गौरव यात्रा निकालने पर कहा कि हमारी मांग है कि पहले सावरकर को भारत रत्न देने की घोषणा करें, फिर यात्रा निकाली जाए। सावरकरांची यात्रा काढणार असाल तर तिचं स्वागत आहे, परंतु या विनायक दामोदर सावरकर स्वातंत्र्यवीर यांना भारतरत्न मिळाला पाहिजे अशा प्रकारची मागणी सातत्यानं या महाराष्ट्रातून झालेली आहे। बता दे कि अब सावरकर के मुद्दे पर महाविकास आघाड़ी में दरार की खबरों पर विराम लगाने के लिए एमवीए ने अपनी पहली संयुक्त सभा का पोस्टर जारी कर दिया है। एमवीए की पहली संयुक्त सभा 2 अप्रैल को छत्रपति संभाजीनगर में मराठवाड़ा सांस्कृतिक मंडल मैदान में होगी। संयुक्त सभा को शिवसेना के उद्धव ठाकरे, एनसीपी के नेता और विधानसभा में नेता विपक्ष अजित पवार और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले एक मंच से संबोधित करेंगे। डेस्क रिपोर्ट, मुंबई महानगर।